बिस्मिल्लाह रहमान सेकंड रहीम। आई होप सो यू ऑल द स्टूडेंट्स आर फाइन। आज का हमारा टॉपिक है रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। ठीक है, इन्वायरमेंटल साइंस में बहुत ही सिग्निफिकेंस रखता है ये टॉपिक जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज एंड एनर्जी कंजर्वेशन। अब इसमें हम आज के सेशन में ओनली रिन्यूएबल रिसोर्सेज को डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले क्या हमें रिसोर्सेज की डिटेल में जाएं, हम सबसे पहले ये देखेंगे कि एनर्जी क्या है। एनर्जी के मीनिंग आपकी स्क्रीन पे आ रहे होंगे। एनर्जी इज द अमाउंट ऑफ फोर्स और पावर व्हेन अप्लाइड कैन मूव वन ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर। ऐसी चीज है जिसको जब अप्लाई करें तो ये एक चीज को एक जगह से दूसरी जगह मूव करती है। एनर्जी डिफाइंस द कैपेसिटी ऑफ अ सिस्टम टू डू वर्क। एनर्जी एग्जिस्ट इन एवरी बॉडी वेदर दे आर ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स और नॉन लिविंग थिंग्स ईजी जेट फाइटर लाइट मशीन्स एट्सेट्रा। एनर्जी इज इंटीमेटली रिलेटेड टू पावर। ठीक है, मतलब कोई जानदार चीज है या बेजान चीज है उसमें एनर्जी होती है। ठीक है, आप खाली अगर लकड़ी की बात करें तो लकड़ी में भी एनर्जी होती है, अगर आप ह्यूमन बीइंग की बात करें तो उसमें भी एनर्जी होती है। ठीक है ना, थोड़ा सा आगे चलते हैं तो इसके फैक्ट के बारे में जानते हैं हम। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एनी फॉर्म ऑफ एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इंटू अनदर फॉर्म, द टोटल एनर्जी विल रिमेन द सेम। एक एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में बदला जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन यू चार्ज योर मोबाइल फोन द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू द केमिकल एनर्जी व्हिच गेट्स स्टार्टेड इनसाइड द बैटरी, राइट। तो ये एनर्जी के एक एग्जाम्पल है और इसकी कन्वर्जन की एग्जाम्पल मैंने आपके साथ शो की थी। ठीक है, अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं और ये देखते हैं कि ये जो एनर्जी है, एनर्जी की जब प्रोडक्शन होती है तो इन्वायरमेंट के ऊपर इसके क्या इफेक्ट्स होते हैं, ह्यूमन हेल्थ के ऊपर क्या इफेक्ट्स होते हैं, यानी ह्यूमन हेल्थ इसकी क्या क्या कॉस्ट बियर करती है। तो देखें, एनर्जी प्रोडक्शन में ह्यूमन हेल्थ में ये हो सकता है कि किसी को एस्थमा हो जाए, कैंसर की बीमारी एनर्जी प्रोडक्शन से होती है, ग्लोबल वार्मिंग हम पढ़ चुके ये इसकी वजह से होती है, एनर्जी प्रोडक्शन की वजह से होती है। एसिड रेन की बात करें, ये एनर्जी प्रोडक्शन की वजह से है। उसके अलावा स्मोक जो आती है वो एनर्जी प्रोडक्शन की वजह से है, या उसके अलावा न्यूरोलॉजिकल टॉक्सिन जो आसाबी बीमारियां हैं ये भी इसी की वजह से होती है। ठीक है, तो ये कुछ इफेक्ट थे एनर्जी प्रोडक्शन के। ठीक है, जिनको हमने जो आपकी स्क्रीन पे अभी आ रहे थे। ठीक है, अब इन इफेक्ट्स के बाद हम इन इफेक्ट से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें ऐसे एनर्जी सोर्सेस पे जाना चाहिए जिनके साइड इफेक्ट्स कम हो। एनर्जी कैन हैव मेनी फॉर्म्स। देखो, एनर्जी की आगे फॉर्म्स भी हैं, काइनेटिक हो सकती है, काइनेटिक पोटेंशियल, लाइट, साउंड एनर्जी, ग्रेविटेशनल इलास्टिक एनर्जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और न्यूक्लियर एनर्जी। एनर्जी आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इंटू मेन ग्रुप्स। इसको दो ग्रुपों में हम डिवाइड करते हैं अपनी आसानी के लिए, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। तो हम जो आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे वो रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो लेट मी शेयर यू दैट। सबसे पहले हम रिन्यूएबल की बात कर रहे हैं, आपकी स्क्रीन पे रिन्यूएबल एनर्जी इज एनर्जी विच इज जनरेटेड फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज, इज एग्जाम्पल सन, विंड, रेन, टाइड्स। टाइड समझते हैं ना, ये जो जवार जिसे कहते हैं, मतलब घास, एंड कैन बी जनरेटेड अगेन एंड अगेन एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। जब भी इसे इसकी जरूरत होती है इसको दोबारा से दोबारा प्रोड्यूस कर सकते हैं। दे आर अवेलेबल इन प्लेंटी एंड बाय फार मोस्ट द क्लीनेस्ट सोर्सेज ऑफ एनर्जी अवेलेबल ऑन दिस प्लैनेट। यानी हम कोई क्लीनेस्ट सोर्सेज भी अप्लाई कर सकते हैं एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। जरूरी नहीं है कि जो हम एग्जिस्टिंग एनर्जी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज से प्रोड्यूस कर रहे हैं वही हम इस्तेमाल करें। रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज आर सूटेड टू लार्ज स्केल प्रोडक्शन। इन टेक्नोलॉजीज को हम बड़े पैमाने पे प्रोडक्शन इनसे दे सकते हैं और स्मॉल ऑफ ग्रिड एप्लीकेशंस भी अवेलेबल हैं, जैसे कि सोलर पावर की आजकल आप देख रहे हैं। ठीक है, हम थोड़ा सा आगे चलते हैं और रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी जो है
इसकी मेन फार्म्स जो हैं वो ये हो सकती हैं जो आपके सामने आ रही हैं, जिसमें वाइंड एनर्जी है, जिसमें हाइड्रो एनर्जी है, जिसमें सोलर एनर्जी है, जिसमें बायोफ्यूल है और जिसमें जियोथर्मल एनर्जी है। ये मुख्तलिफ फार्म्स हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी की, ठीक है। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको इनकी डिटेल बताऊं, आपका इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए कि हम क्यों ये इस्तेमाल करते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्यों इस्तेमाल करते हैं, मैं इसके कुछ बेनिफिट्स और एडवांटेजेस आपसे शेयर करना चाहता हूं। अगर हम ये रिसोर्सेज अप्लाई करते हैं तो इन रिसोर्सेज से ये आपको वाइडली अवेलेबल होंगे, ठीक है। मतलब अब देखें, हवा है तो आपको अवेलेबल होती है, ठीक है। इसी तरह और का लोअर रनिंग कॉस्ट, आपकी जो रनिंग कॉस्ट इसमें आएगी लोअर आएगी। डिसेंट्रलाइज पावर प्रोडक्शन होगी, ठीक है। यानी एक सेंट्रलाइज, जैसे ये के इलेक्ट्रिक है या लेस्को है, इन्होंने अपनी मोनोपलिस्टिक पावर्स क्रिएट की हुई हैं। तो अगर आप आईपीपीस को डाल देंगे और वो आके मुख्तलिफ ये जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं ये अप्लाई करेंगे तो डिसेंट्रलाइज पावर आ जाएगी प्रोडक्शन की, तो मोनोपलिस खत्म हो जाएंगी, रेट नहीं बढ़ेंगे, लो लो पोल्यूशन होगी इसकी वजह से, और इट विल बी अवेलेबल फॉर फॉरसीएबल फ्यूचर, और आगे का जो आने वाला आपका फ्यूचर है उसमें ये अवेलेबल होगी, ठीक है ना। ये इसके बेनिफिट्स हैं, दैट्स व्हाई वी आर स्टडीइंग अबाउट दी रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी इन एनवायरमेंटल साइंस। ठीक, तो बात जो मैं कर रहा था इसकी, सबसे पहले हमने जो डिस्कस किया था वो वाइंड पावर था। अब देखिए वाइंड पावर क्या है, एयर फ्लोज कैन बी यूज टू रन वाइंड टर्बाइंस। वाइंड टर्बाइंस जो एयर फ्लो होता है उसे आप वाइंड टर्बाइंस, ये जैसे आपको नजर आ रही है यहाँ पे, आप इसको रन कर सकते हो, ठीक है। एरियाज वेयर वाइंड्स आर स्ट्रॉन्गर, जहाँ पे ज्यादा हवाएं चलती हैं एंड मोर कॉन्स्टेंट, और मतलब मुस्तकिल मिजाज से चलती हैं, सच एज ऑफ शोर एंड हाई अल्टीट्यूड साइड्स आर प्रेफर्ड लोकेशंस फॉर वाइंड फार्म्स, ठीक है ना। तो वहां पे आप क्या कर सकते हैं, आप ये वाला सोर्स वाइंड एनर्जी का इस्तेमाल कर सकते हैं और उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं, और बड़े पैमाने पे आप पोल्यूशन से भी बच सकते हैं और उसको एनर्जी को भी हासिल कर सकते हैं। वाइंड पावर के अलावा हमने वाइंड पावर को ही अगर हम थोड़ा सा और डिटेल में देखें तो वाइंड एनर्जी इज बिलीव टू बी 5 times टोटल करंट ग्लोबल एनर्जी प्रोडक्शन। जितनी इस वक्त रुए जमीन पे प्रोडक्शन हो रही है, अगर हम वाइंड को इस्तेमाल करें तो उसका 5 गुना हम पैदा कर सकते हैं, 40 times करंट इलेक्ट्रिसिटी डिमांड, और 40 गुना ज्यादा जो इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड है उससे ज्यादा हम वाइंड पावर से प्रोड्यूस कर सकते हैं एनर्जी को। दिस कुड रिक्वायर लार्ज अमाउंट्स ऑफ लैंड टू बी यूज्ड फॉर वाइंड टर्बाइंस एंड पार्टिकुलरली इन एरियाज ऑफ हायर वाइंड रिसोर्सेज। Offshore resources experience wind spreads of 90% greater than that of land. Wind power produces on no greenhouse gases during operation and power is growing at the rate of 30% annually. With a worldwide installed capacity of 1,57,900 megawatt. ठीक है, ये थोड़ा सा कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स मैंने आपको वाइंड पावर के बारे में डिस्कस किया है, बताया आपको। और वाइंड पावर के बाद हमने बात की थी हाइड्रो पावर की। हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी इज अ टर्म यूजुअली रिजर्व फॉर लार्ज स्केल हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम्स। ये जो डैम्स पानी के बना के तो हम बांध से प्रोड्यूस करते हैं, माइक्रो हाइड्रो सिस्टम आर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर इंस्टॉलेशन दैट टिपिकली प्रोड्यूस अप टू 100 kW ऑफ पावर। They are often used in water-rich areas as a remote area power supply. Damless hydro system drive kinetic energy from rivers and oceans without using a dam. यानी बगैर डैम के भी हम हाइड्रो पावर मतलब नहरों के ऊपर या दरियाओं या समुद्रों के ऊपर बना के एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। उसके बारे में बात की जा रही। ओशन एनर्जी डिस्क्राइब्स ऑल द टेक्नोलॉजीज टू हार्नेस एनर्जी फ्रॉम द ओशन एंड See, this includes marine current power, ocean thermal energy conversion, यानी ये जो समुद्रों के अंदर बहरी जहाज चलते हैं वो इस एनर्जी से चलते हैं, and tidal power, और इसके अंदर tidal power को भी हम इस्तेमाल करते हैं hydro power के अंदर। So you understand about the facts and figures about the hydro power, and after hydro power, quickly see about the solar energy. Solar energy is the energy derived
from the sun through the form of solar radiations. You know, solar power electrical generation relies on photovoltaics and heat energies. A partial list of other solar applications include daylighting, solar hot water, solar cooking, and high temperature process heat for industrial process purposes. Solar technologies are broadly characterized as either passive solar or active solar, depending on the way they capture. मतलब आप सोलर एनर्जी को कैप्चर करते हैं और अगर आपने बैटरीज रखी हुई हैं तो आप उसको बैटरीज में स्टोर कर लें और स्टोर करने के बाद आप उसे फ्यूचर में इस्तेमाल कर लें, ठीक है? या अगर करंटली आप उसको इस्तेमाल करते जा रहे हैं साथ साथ, तो ठीक है, आप साथ साथ करते जाएं. आप उसे कन्वर्ट भी कर सकते हैं और डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं सोलर एनर्जी को, जैसे कि ये थर्मल वगैरह होती है. एक्टिव सोलर टेक्निक्स इंक्लूड द यूज ऑफ photovoltaic panels and solar thermal collects to harness off the energy, and passive solar techniques include orienting a building to the sun, selecting materials with favorable thermal mass or light dispersing properties, and designing spaces that naturally circulate air. ठीक है, solar के बाद हमारी जो है bioenergy है, बायोफ्यूल एनर्जी है, हमने उसको डिस्कस करना है. ये आपके सामने आ रही है स्लाइड बायोफ्यूल की. लिक्विड बायोफ्यूल इज यूजुअली आइदर बायो अल्कोहल सच एज बायो एथेनॉल और एन ऑयल सच एज बायो डीजल. ठीक है, इसमें अल्कोहल भी इस्तेमाल हो सकती है, बायो डीजल भी इस्तेमाल होता है और एथेनॉल भी इस्तेमाल हो सकता है. बायो एथेनॉल इज एन अल्कोहल मेड मोस्टली फ्रॉम शुगर एंड स्टार्च क्रॉप्स with advanced technology being developed. ठीक है, cellulic biomass such as trees and grasses are also used as feedstocks for ethanol production. Okay, ethanol can be used as a fuel for vehicles in its pure form, but it is usually used as gasoline additive to increase octane and improve vehicle emissions. Bioethanol is widely used in USA and in Brazil. Okay, तो biofuel के बारे में आपको पता चला. Now we are going to furthermore. Geothermal energy. Geothermal energy is energy obtained by tapping the heat of the earth. जमीन की जो height heat है, उसको इस्तेमाल करके हम ये energy बनाते हैं. Earth crust in some places of the globe are from some meters in geothermal heat pump in all the places of the planet. This energy drives from heat in earth's core. There is also potential to generate geothermal energy from hot dry rocks. Holes at least 3 kilometers deep are drilled into the earth. Some of these holes pump water into the earth while other holes pump hot water out. ठीक है, तो ये जियोथर्मल एनर्जी थी, इसको भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं. और एट द एंड अगर आपका क्वेश्चन है तो आप अपने माइक ओपन कर लें और मैं आपको इसके डिसएडवांटेजेस भी बताने जा रहा हूँ, और इसके बाद हम ये वाला सेशन एंड कर देंगे और अगले सेशन में हम नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज को डिस्कस करेंगे और उसकी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को भी देखेंगे. ठीक है, और अगर बिलफर्ज आपका कोई और भी फर्दर क्वेश्चन होते हैं तो आप इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं आपको आंसर करूंगा. अच्छा, इसके डिसएडवांटेजेस कुछ इस तरह से, अनरिलायबल सप्लाई है इसकी, कि पता नहीं इसकी सप्लाई पूरी हो सकेगी या नहीं हो सकेगी क्योंकि टेक्नोलॉजीज इसकी इतनी ज्यादा बिल्ड नहीं हुई. यूजली प्रोड्यूस्ड इन स्मॉल क्वांटिटीज, इसकी छोटी क्वांटिटीज प्रोड्यूस होती, जैसे आपने ये सोलर पावर देखे होंगे, ठीक है, विंड एनर्जी आपने देखी होगी, अभी तक तो लिमिटेड पैमाने पे पड़ी सॉरी ना. ऑफन वेरी डिफिकल्ट टू स्टोर, इसको स्टोर करना मुश्किल है. करंटली पर यूनिट कॉस्ट ऑफ एनर्जी इज मोर कंपेयर्ड टू अदर टाइप्स, क्योंकि इसके सेटअप नहीं है तो इसकी पर यूनिट जो कॉस्ट है वो ज्यादा आ रही है. ठीक है ना, तो आज का टॉपिक हम यहाँ पे एंड कर रहे हैं. इसके बाद मैं अभी आपको लिंक सेंड करूंगा, आप दोबारा ज्वाइन कीजिएगा और हम इस पे फर्दर डिस्कशन करेंगे. ठीक है, और इस वक्त मैं आपकी अटेंडेंस के स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ.
अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, अदरवाइज दोबारा लिंक ज्वाइन कीजिएगा. ओके, अल्लाह हाफिज़.